सौड़ा से लड़े के दतिया से लड़े? हाथ उठा के बताओ, दतिया लड़वे जाए के सौड़ा से लड़े? पक्की बात। जन अदालत न्यूज की सबसे बड़ी खबर, सौड़ा विधानसभा क्षेत्र के भुआ रामपुरा में संविधान बचाओ के राष्ट्रीय संयोजक दामोदर सिंह यादव ने मचाया तहलका। उमड़ा हजारों की संख्या में भारी जन सैलाब। इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर कांग्रेस कमेटी के प्रदेश उपाध्यक्ष दामोदर यादव का हुआ जोरदार स्वागत। सी तस्वीर आपको भुआ रामपुरा गाँव की दिखा रहे हैं, जहाँ पर संविधान बचाओ का शंखनाद भुआ रामपुरा में दामोदर यादव ने किया है। इस मौके पर उनके साथ पिछड़े वर्ग के लोगों ने भी भारी संख्या में हिस्सेदारी की है। कार्यक्रम का संचालन पूर्व जनपद उपाध्यक्ष केशव सिंह यादव द्वारा किया गया। सी तस्वीर आपके जनता न्यूज पर आपको दिखा रहे हैं। इस मौके पर मुख्य रूप से कुशवा समाज की ओर से प्रदेश अध्यक्ष योगी सिंह कुशवा पहुंचे हैं, जहां पर कुशवा समाज के लोगों ने उन्हें भारी जन समर्थन दिया है। तो हजारों की संख्या में भुआ रामपुरा में एक विशाल संविधान बचाओ सभा का शंखनाद हुआ। इस मौके पर भोपाल से अंबेडकरवादी विचारधारा के वरिष्ठ नेता सुनील बरोसे ने भी जमकर मोदी सरकार को एवं संविधान बचाओ यात्रा को लेकर पिछड़े वर्ग के लोगों में हुंकार भरी है। इस मौके पर दतिया जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष पातीराम फौजी ने भी जमकर हुंकार भरी एवं संविधान बचाओ यात्रा को लेकर भाजपा पर जमकर साधन। इस मौके पर फाग सम्राट एवं लोकगीत बुंदेली लोकगीत गायक राजेंद्र सिंह गुर्जर ने भी अपनी शानदार प्रस्तुति दी है। उनके साथ उनके छोटे भाई ब्रजेंद्र सिंह गुर्जर ने भी अपनी फाग एवं लोकगीत गायन से पिछड़े वर्ग के लोगों में हुंकार भरी है। सी तस्वीरें आपकी जन अदालत न्यूज पर हम आपको भुआ रामपुरा गांव की दिखा रहे हैं, जहां पर आज संविधान बचाओ का शंखनाद हुआ है, जिसका संचालन वरिष्ठ कांग्रेस नेता केशव सिंह यादव द्वारा किया गया। सीधे चलते हैं भुआ रामपुरा की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर पिछड़ा वर्ग कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष एवं संविधान बचाओ के राष्ट्रीय संयोजक मुख्य दामोदर यादव ने शंखनाद किया संविधान बचाओ में और भाजपा सरकार को जमकर ललकारा। सुनिए आपकी जनता दल इसकी एक खास रिपोर्ट मेरे साथ। दतिया से चुनाव लड़ना है, मैंने कहा क्यों भैया? बोले आपको इसलिए दतिया से चुनाव लड़ना है क्योंकि दतिया में जो साढ़ है उसका कोई मुकाबला नहीं कर पा रहा। पातीराम कक्का सोच रहे होंगे कि अब क्या करने वाले हैं। हम तो इसी जनता से पूछने वाले हैं। ये सब लोगों ने कहा कि नहीं भाई दतिया चुनाव लड़ो नहीं तो उसको कौन हराएगा। मैंने कहा चिंता नहीं करो, कल चल रहे भगवपुरा में उन्हीं से पूछ ले तो बताओ सौड़ा से लड़े के दतिया से लड़े? हाथ उठा के बताओ दतिया लड़वे जाए के सौड़ा से लड़े? पक्की बात। दामोदर का लक्ष्य है, सुनील गौर से योगेश कुशवा का लक्ष्य है। मैंने कहा कि गुलामी से आजाद कराना है, जो हमारी मानसिक गुलामी हो गई है। हम अपने दिमागी तौर पे अपने आप को छोटा मान चुके हैं, दूसरों को बड़ा मान चुके हैं, खुद को कमजोर और दूसरे को ताकतवर मान चुके हैं। अरे मेरे पिछड़े वर्ग के भाइयों, मेरे किसान भाइयों, मेरे दलित भाइयों, मेरे मानवतावादी सोच के सामान वर्ग के भाइयों, आओ उठ के खड़े हो। दामोदर तुमको आवाज लगा रहा है, दामोदर की आवाज से आवाज मिला दो। इस सौड़ा ही नहीं, इस मध्य प्रदेश की तस्वीर बदलने की ताकत हमारा और आपके अंदर है और हम वो मिशन पे निकले हैं और वो मिशन पूरा करके रहेंगे। जी को सरकार बनानी है, मुझे भी माननीय कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाना है, इसलिए किसी हारने वाले को टिकट नहीं दिया जाएगा, चाहे वो कितनी भी बड़ी दीवालों वाला हो। अगर हार आ रही है सर्वे में और सबको पता है क्या आ रहा है किस सर्वे में, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। पत्रकारों ने कर डाला, सबने कर डाला, आपने कर डाला खुद, तो सर्वे में जिसकी भी हार आ रही है वो संगठन में काम करे या अपने घर बैठे, और नहीं तो जिनसे दोस्ती कर रखी उनके घर चला जाए, हमें कोई परवाह नहीं है। इस मध्य प्रदेश के अंदर मुझे पूरा विश्वास है माननीय राहुल गांधी जी पे, माननीय खड़गे साहब पे और माननीय कमलनाथ जी पे और दिग्विजय सिंह जी पे भी कि सही निर्णय करेंगे और मध्य प्रदेश की जो सीट पे जो जीत सकता है उसको टिकट देने का काम करेंगे। और चिंता मत करो, एक पत्रकार मुझसे पूछ रहे थे आपने तो घोषणा कर दी सौड़ा की कि आप सौड़ा लड़ोगे, पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो? मैंने कहा भाई पत्रकार साथी, मैं पार्टी से टिकट मांग ही नहीं रहा हूं। कुछ लोग टिकट मांगने वाले होते हैं और कुछ लोग टिकट बांटने वाले होते हैं, तो आप सब आशीर्वाद से, आप सबके आशीर्वाद से
पार्टी के लिए जो काम हम लोग कर रहे हैं, हम टिकट मांगेंगे नहीं, पार्टी अपने आप देगी। बहुत बोले ठीक है हनुमान, तुम कर्नाटक में तो ठीक काम कर आए, अब जाओ मध्य प्रदेश में भी कमलनाथ को जिताने का काम करो। ये जो तुम्हारे नाम से झूठी राजनीति करने का काम लोग कर रहे हैं, इनको सबक सिखाने का काम करो। और मैं धन्यवाद देता हूं कर्नाटक की जनता का कि कर्नाटक में 135 137 सीटें जिता के तुमने कांग्रेस की सरकार कर्नाटक की जनता ने बनाने का काम किया। लेकिन मैंने उसी दिन एक नारा दे दिया कि कर्नाटक तो झांकी है, अभी मध्य प्रदेश बाकी है। और मध्य प्रदेश के अंदर आज कह रहा हूं मेरे पत्रकार साथियों के सामने कि मध्य प्रदेश में जब चुनाव होगा, मेरा प्रयास है कि जाति के समीकरणों के आधार पर, जैसा योगेश कुशवाहा जी कह रहे थे, पिछड़ा वर्ग जिसकी जितनी संख्या है उसके आधार पर लोगों को अगर टिकट मिला, तो दावे से दामोदर यादव यहां खड़ा होकर कह रहा है कि 175 सीटें कांग्रेस जीतेगी और 15 साल तक इस मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस राज्य करेगी। अरे शिवराज सिंह चौहान साहब, जरा सोच के देखो किस पार्टी के मुख्यमंत्री हो, किस पार्टी के, और क्या हैसियत है आपकी इस पार्टी के अंदर। अगर आपकी इस पार्टी के अंदर हैसियत होती तो आज से 3 महीने पहले भोपाल की सड़कों पर आपको एक छोटा सा संगठन, कौन सी सेना है, कौन सा छोटा सा संगठन है, इतने से लोगों का संगठन, इतने से लोगों का, मेरे धाकर समाज के लोगों आप भी सुन लेना, कुशवाहा पाल यादव सब सुन लेना, एक छोटा सा संगठन भोपाल में खड़ा होता है और नारा लगाता है कि शिवराज जी तुम्हारी फलाना फलाना मां की गाली देता है और कहता है कि राज करेगा राजपूत। अरे भाई, ये देश सब जातियों का, सब वर्गों का है। वो सेना के लोग सुन लो, जो सेना के इतने से मुट्ठी भर लोगों हो, तुमने शिवराज को गाली दी, दामोदर के पेट में दर्द चालू हो गया क्योंकि मेरे पिछड़े वर्ग का है। और उसी दिन दामोदर ने कहा, बोरसे जी ने, योगेश कुशवाहा जी ने सभा वहां जाके पत्रकार वार्ता की, तो एक पत्रकार साथी मुझसे बोले कि दामोदर जी आप कैसे शिवराज जी के फेवर में बोल सकते हो, शिवराज सिंह चौहान तो भारतीय जनता पार्टी के नेता है। तो मैंने उनसे कहा कि बात किसकी नहीं कि कौन किस पार्टी का है, बात इसकी है कि इस मध्य प्रदेश के अंदर संविधान है कि नहीं है। अगर ये देश कानून से चलता है, अगर ये प्रदेश संविधान से चलता है, अगर शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी संविधान में यकीन रखती है, तो सड़कों पर चार लड़के खड़े होकर शिवराज सिंह को मां बहन की गालियां नहीं दे सकते। इसलिए मैंने उनका विरोध करने का काम किया। और शिवराज जी जरा सोचो, कहते हो आरक्षण को आंच नहीं आने दूंगा, आप कहते हो कि जब तक शिवराज सिंह चौहान जिंदा है कोई माई का लाल आरक्षण नहीं छू सकता। अरे हमारे कमलनाथ ने आरक्षण देने का काम किया पिछड़ों को। मध्य प्रदेश में 18 साल से भाजपा के 3 मुख्यमंत्री बने, जरा सोचना पिछड़े वर्ग के लोगों कौन बना। पहले मेरी बड़ी बहन उमा भारती जी बनी, लोधी समाज की, पिछड़ा वर्ग की। उनके बाद बाबूलाल गौर साहब बने, यादव समाज के, पिछड़ा वर्ग के। उनके बाद शिवराज सिंह चौहान बने, धाकर समाज के, पिछड़ा वर्ग के। लेकिन इन तीनों की हैसियत नहीं थी, और इसलिए हैसियत नहीं थी कि जिस घर में राजनीति कर रहे हैं उस घर में ये किराएदार हैं, उस घर के ये मकान मालिक नहीं हैं। इसलिए 3-3 पिछड़े वर्ग के मुख्यमंत्री बनने के बाद पिछड़ा वर्ग का आरक्षण 14 से बढ़ा के 15 भी नहीं कर पाए। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं उन कमलनाथ जी को कि जो पिछड़े वर्ग के हैं कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन जैसे ही कुर्सी पर बैठे सबसे पहले पिछड़ा वर्ग का आरक्षण 14 से बढ़ा के 27 करने का काम किया। मैं धन्यवाद देता हूं उन कमलनाथ जी को कि मध्य प्रदेश का खजाना खाली मिला और किसानों की कर्जा माफी की घोषणा की, तो आज मध्य प्रदेश में 15 महीने के अंदर उनने 26 लाख किसानों का 1 लाख तक का कर्जा माफ करने का काम किया। मैं धन्यवाद देता हूं कमलनाथ जी को। गाय की बात तो करते हैं भाजपा के लोग, राम की बात करते हैं भाजपा के लोग, सीता की कसम खाते हैं भाजपा के लोग, लेकिन अगर गाय के लिए गौशालाएं बनाने का किसी ने काम किया तो हमारे नेता कमलनाथ ने गौशालाएं बनाने का काम किया। इसलिए मैं कमलनाथ जी को धन्यवाद देते हुए कहना चाहता हूं कि जो नारी सम्मान योजना भी लागू हुई है कांग्रेस की तरफ से, नासिर भाई क्या है नारी सम्मान योजना, शिवराज जी की देखो चालाकी,
शिवराज जी की चालाकी देखो। शिवराज जी ने कहा कि बहनों को हम हजार हजार देंगे, तो मैं शिवराज जी से यहां से पूछना चाहता हूं, समंच से जवाब दो, सीआईडी के लोग बहुत घूम रहे हैं, अब जहां भी हम लोगों की सभा हो रही बोरसे जी, ये सीआईडी वालों को बहुत पेट में दर्द हो रहा है, सुबह से शाम तक पता करते रहते, क्यों लला, सुबह से शाम तक पता करते रहते कहां सभा है, कौन कौन आ रहा है, कितने लोग इकट्ठे होंगे, तो सीआईडी वालों खबर भेज दो शिवराज जी को और उनसे पूछ लो। मैं एक सवाल पूछ रहा हूं कि अगर नारियों को सम्मान के रूप में हजार हजार रुपए देना ही चाहते हो तो क्यों ऐसा नियम बनाया कि 23 साल से कम उम्र की जो महिला होगी उसको हजार रुपए नहीं मिलेंगे? क्यों ऐसा नियम बनाया कि 60 साल से ज्यादा जिसकी उम्र होगी क्या वो तुम्हारी बहने नहीं है जो उनको आपको पैसा नहीं मिलेगा? क्यों ऐसा नियम बनाया कि जिसके घर में एक किसान के घर में ट्रैक्टर है तो उस घर में भी किसी महिला को हजार रुपए नहीं मिलेंगे? अरे क्यों ऐसा नियम बनाया कि किसी के घर में सरकारी नौकर के रूप में मास्टर भी है तो उसको सरकारी योजना का लाभ नहीं मिलेगा? अरे हमारे नेता कमलनाथ जी ने घोषणा की है कि मध्य प्रदेश में जब हमारे जैसे ही सरकार बनेगी, जितने भी कार्यकर्ता हमारे फॉर्म भरवा लेंगे, मध्य प्रदेश की हर महिला को हम 1500 रुपए महीना देने का काम करेंगे, और चाहे 23 से छोटी हो चाहे 60 से बड़ी हो, ये फिल्टर लगाने का काम हम नहीं करेंगे। इसके साथ साथ देखो शिवराज जी की होशियारी, अरे मुख्यमंत्री जी किनकी बातों में आ गए, पिछड़े वर्ग के आदमी हो, काहे को भाजपा के आरएसएस के हाफ चड्डों की बातों में आ गए और काहे को मूर्ख बन गए? जरा सोच के देखो, शिवराज जी कह रहे हैं कि इन माता बहनों को देंगे हम कितने हजार, और इन माता बहनों के पतियों से, इन माता बहनों के पतियों से वो कौन लगे उनके रिश्ते में, आप ही समझ लो, मुझे बताने की जरूरत नहीं। अगर जो माता बहनें यहां बैठी हैं, जो उनकी बहन है, इनको हजार देंगे और सिलेंडर के नाम पे 1300 ले लेंगे, बोलो हर महीना में एक सिलेंडर खत्म होता है कि नहीं? तो लेकिन जो देश का प्रधानमंत्री है वो सबसे बड़ा नौटंकीबाज, किसान विरोधी, जन विरोधी, गरीब विरोधी, दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी है और सिर्फ अडानी और अंबानी की गुलामी करने का काम करता है। इसलिए तुम्हारी हैसियत नहीं है सच्चाई बोलने की। हम रोटी 4 खाते हैं 2 खा लेंगे, बीड़ी गुटखा सिगरेट छोड़ना पड़े छोड़ देंगे, अरे अपने घर का काम छोड़ना पड़े छोड़ देंगे, लेकिन जब भी संविधान को आंच आएगी तो भगवा अपराधी सड़कों पर खड़े होकर अपने संविधान की रक्षा करने का काम करेंगे। और तुम चाहते हो कि संविधान खत्म हो जाए, और संविधान खत्म क्यों चाहते हैं? आज नया सुगुफा दे दिया, बोले मोदी इतना महान प्रधानमंत्री है कि अब देश में जरूरत नहीं है जनक भाई चुनाव कराने की। अखिलेश भैया कह रहे हैं कि अब जरूरत नहीं है कि चुनाव कराया जाए। एक सांसद जी मिल गए, मैंने कहा क्यों नहीं कराना चाहते भाई बीजेपी वालों बताओ, बोले इसलिए नहीं कराना चाहते भाई साहब, देखो कितना पैसा खर्च होता है चुनाव में, और मोदी जी तो भगवान का अवतार है। मैंने कहा पक्का भगवान का अवतार है? बोले हाँ वास्तव में भगवान का अवतार है। तो मैंने कहा अगर वास्तव में भगवान का अवतार है तो इस देश के 125 करोड़ लोगों में से 90 करोड़ की आबादी किसानों की है, और किसान चाहे 5 बीघा का हो चाहे 50 बीघा का, किसान कर्जे में डूब के आत्महत्या करने के लिए मजबूर है, सारे किसानों की कर्जा माफी कर दे तो मैं मान लूंगा कि भगवान है। लेकिन किसानों की कर्जा माफी नहीं करोगे, संविधान को खत्म करोगे, वोट के अधिकार को खत्म करोगे, ताकि भगवापुरा से लेके एक भी गांव का साथी अपनी आवाज ना उठा सके और तुम्हारा गुलाम बन जाए। लेकिन दामोदर ने तय किया है, सुनील बोरसे ने तय किया है, योगेश कुशवाहा ने तय किया है कि मध्य प्रदेश चाहे नीमच से लेके जबलपुर तक और चाहे बैतूल से लेके मुरैना तक, कहीं भी संविधान पर आंच आएगी तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों की खटिया खड़ा करने का काम हम सब साथी मिलके करेंगे। ज्यादा है कहने के लिए संख्या ज्यादा है, लेकिन उसको हिस्सेदारी बिल्कुल नहीं। संविधान का अपमान किया जाता है। कौन से संविधान का? जिस संविधान को डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने अपने पूरे परिवार की कुर्बानी देकर, जिस देश के अंदर जानवर से बदतर जिंदगी जीते हुए समाज को इंसान का दर्जा दिलाने के लिए बाबा साहब अंबेडकर ने अपने पूरे जीवन को मोमबत्ती के समान जलकर देश का पवित्र संविधान बनाया। हर जाति हर धर्म
पुरुष हो या महिला हो, सभी को बराबर का अधिकार दिलाया। ऐसे पवित्र संविधान को पार्टी के लोग और आरएसएस के लोग मिटाने की बात करते, बदलने की बात करते, और उसी संविधान को बचाने के लिए तुम्हारा सेवड़ा में पैदा हुआ इस धरती का बेटा संविधान की रक्षा करने के लिए निकला है। और जब हम लोगों की मुलाकात हुई, हम लोगों ने यह तय किया कि विधायक बने ना सांसद बने या ना बने, क्योंकि विधायक बनने के लिए लोग अपनी विधानसभा का दौरा करते, कई बार विधायक बनने के बाद भी विधानसभा का दौरा करते हैं, कोई समाज से मतलब नहीं, कोई प्रदेश के लोगों से मतलब नहीं, उनका सिर्फ मकसद होता है सिर्फ विधायक बनकर विधानसभा में पहुंचना। लेकिन भाई दामोदर यादव का मकसद सिर्फ विधानसभा में पहुंचने का नहीं है, दामोदर यादव जी का मकसद है इस देश के पवित्र संविधान को बचाने का। एवरग्रीन कलर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, रंग है तो जीवन है। स्टे होम स्टे सेफ।